हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड में अगर बात करें, यहाँ पर 50% जो है यहाँ पर बच्चे लिखना भूल रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चली है लगभग 1.5 साल की समथिंग। तो इसमें जो यहाँ पर काफ़ी असर देखने को बच्चों को मिला है, और वहीं यहाँ पर लिखना भूल चुके हैं 65%। तो ये एक सर्वे किया गया था, तो उत्तराखंड के जो यहाँ पर छात्र हैं लगभग 50% जो है लिखना भूल चुके हैं, और 65% हैं वो यहाँ पर जो है लिखना भूल चुके हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई में जो है 55% बच्चे यहाँ पर लिखना भूल रहे हैं। तो इस तरह से एक सर्वे किया गया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला, यहाँ पर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा है कि अब जो है NDA परीक्षा में जो है अब बेटियों को भी यहाँ पर जो है मौका मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो NDA जो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी होता है, इसमें जो है प्रवेश परीक्षा के लिए जो है आप लोग जो है पहले सिर्फ बॉयज़ करते थे अप्लाई, तो अब जो है यहाँ पर बेटियों को भी यहाँ पर मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जो है यहाँ पर अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है और इसकी इजाज़त दे दी है। तो अब जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया गया है, और परीक्षा जो है 5 सितंबर को जो यहाँ प्रस्तावित है। और कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर NDA में प्रवेश इस याचिका के अंतिम निर्णय पर जो है निर्भर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर तय समय तक जो है पदोन्नतियाँ नहीं होने पर जो है जताया विरोध। तो यहाँ पर सरकार की ओर से जो है 15 अगस्त तक जो है तिथि लास्ट डेट तारीख रखी थी, इसी के बाद जो है प्रमोशन कर दिए जाएंगे, लेकिन 15 अगस्त निकल चुका है लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी प्रमोशन नहीं हो रखा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इस वजह से यहाँ पर इनका विरोध चल रखा है। कहा गया कि पदोन्नति ना होने पर जो है उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने यहाँ पर जो है सख्त नाराजगी जताई है, और एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसी लापरवाह जो है यहाँ पर और बेपरवाह अधिकारी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। तो इस तरह से यहाँ पर, और वही बात करें यहाँ पर राज्य के स्कूलों में जो है बढ़ने लगी छात्रों की संख्या। तो राज्य के स्कूलों में जो है छात्रों की संख्या बढ़ रही है, और COVID-19 संक्रमण जो है गिरावट के बाद छात्रों में जो है यहाँ पर स्कूल आने का रुझान बढ़ता दिख रहा है। और बुधवार को जो है प्रदेश के 278 स्कूलों के जो यहाँ पर एचएक मुआयने में जो है यह तस्वीर सामने आई। 65.75% जो यहाँ पर छात्र स्कूल में जो है उपस्थित पाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है लगभग जो है 65 से ज़्यादा जो है यहाँ पर छात्र मिले हैं स्कूलों में। और वहीं यहाँ पर पदोन्नति मामले को लेकर जो है जल्द निपटाएं। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ ने जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव SS संधू से यहाँ पर लंबित पदोन्नति के मामले में जो है शीघ्र निपटारा करने की यहाँ पर मांग की है, और इस बात संघ ने जो यहाँ पर एक ज्ञापन भेजा है। तो यहाँ पर जो है इनकी जो यहाँ पर लेखा लिपिक सेवा संघ है, उनका कहना ये है कि प्रमोशन जो है जल्दी निपटाएं, ऐसा यहाँ पर इनकी मांग चल रखी है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को लेकर, तो गेस्ट टीचरों की जो यहाँ पर नौकरी है वो अब जाने लगी है, और इसका कारण देखिए क्या कहा गया है। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नौकरी से जो है हटाना शुरू कर दिया है। 189 अटल स्कूलों में जो है यहाँ पर करीब 400 शिक्षकों की यहाँ पर जो है नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। तो यहाँ पर इतने स्कूलों में जो है यहाँ पर अब जो शिक्षक थे उनकी खतरे में पड़ चुकी है। और यहाँ पर कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर जो है सरकार गंभीर है, और पहले तो उन्हें जो है हटाया नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पर अरविंद पांडे ने कहा है। और यदि स्थायी शिक्षक की नियुक्ति की वजह से जो है हटाना पड़ता है, तो उन्हें जो है दूसरे रिक्त पद पर जो है पद वाले स्कूलों में जो है यहाँ पर समायोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि उनको जो है हटाया नहीं जाएगा। अगर ऐसा स्थिति आती है जहाँ पर स्थायी नियुक्ति हो रही है, तो उनको जो है यहाँ पर जहाँ पर रिक्त पद हैं वहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो अतिथि शिक्षक संघ ने जो है प्रदेश महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि पिछले दिनों जो है कैबिनेट मीटिंग में जो है निर्णय लिया गया था कि अतिथि शिक्षक के पद पर जो है सुरक्षित रखे जाएंगे, लेकिन अब तक जो है अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है तैनाती की वजह से यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को जो है हटाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और कई जिलों में जो है इस बात पर जो है आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जून महीने में जो है वेतन भी यहाँ पर काट लिया, और यहाँ पर बीते रोज भी यहाँ पर शिक्षा विभाग अटल उत्कृष्ट स्कूलों के LT और प्रवक्ता कैडर में जो है 870 रिक्त पदों पर जो है स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर आदेश दिए हैं। और नियम जो नियमानुसार है स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होने तक जो है अतिथि शिक्षक को जो यहाँ पर हटाना पड़ता है, लेकिन पिछले सरकार ने जो है अतिथि शिक्षकों के कुछ यहाँ पर जो है के पदों को जो है सुरक्षित रखने का वादा यहाँ पर किया गया, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो अतिथि शिक्षक को हटाने का फैसला नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने भी कर दिया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर पुलिस भर्ती को लेकर, तो उत्तराखंड के पुलिस भर्ती जो यहाँ 2,500 पद थे लगभग, वो अधर में अटक चुकी है। ये भर्ती प्रक्रिया जो है अभी अटकी हुई है। प्रदेश में जो है 2,500
पुलिस कर्मियों की जो यहाँ पर भर्ती अदर में लटकी हुई है। पुलिस मुख्यालय फरवरी में जो यहाँ पर रिक्त पदों को भरने का यहाँ प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन अब तक जो है कुल रिक्त पदों की संख्या 1000 ही यहाँ पर पहुँच पाई है और जिस कारण जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और प्रदेश में जो है पिछले 5 साल से जो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई है और पुलिस मुख्यालय ने इसी क्रम में जो है 2500 पदों की भर्ती का प्रस्ताव यहाँ शासन को सौंपा है और इनमें से यहाँ पर कहा गया है कि 1000 पदों तो यहाँ पर जो है पहले से ही यहाँ पर रिक्त हैं, शेष जो 1500 पद हैं वो कांस्टेबल के प्रमोशन के फलस्वरूप यहाँ पर खाली होंगे। हालांकि उक्त 2500 पदों की जो गिनती है पुष्कर सिंह धामी द्वारा यहाँ पर भर्ती के लिए यहाँ पर गिने गए 2000 रिक्त पदों में शामिल है और फिर भी यहाँ पर प्रक्रिया जो है यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाई है। और इस बारे में जो है गृह सचिव रंजीत सिन्हा ने यहाँ पर जो है बताया, प्रस्ताव पर जो है विचार किया जा रहा है और अंतिम निर्णय जो है अभी नहीं हुआ है। तो पुलिस भर्ती को लेकर जो लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो अभी जो है कंफर्म नहीं है। मैंने कमेंट कई लोगों को मैंने कमेंट किया था कि अभी जो है इस पर संशय बना हुआ है पुलिस भर्ती को लेकर, तो अभी भी कंफर्म नहीं कि कब आएगा। कई लोग पूछ रहे थे कब आएगा, तो अभी नहीं आने वाला है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपका पुलिस भर्ती आने में। और रैंकर का रिजल्ट भी यहाँ पर अटका हुआ है, तो पुलिस में जो है SI बनने के लिए जो है फरवरी में हुई विभागीय रैंकर परीक्षा का परिणाम भी यहाँ पर अब तक घोषित नहीं हो पाया है और आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक जो है परिणाम जारी करने से पहले आयोग ने कुछ बिंदुओं पर जो है पुलिस मुख्यालय से यहाँ पर जानकारी मांगी है, लेकिन अब तक जो है आयोग को पूरा विवरण नहीं मिल पाया है और इसके बाद ही यहाँ पर जो है रैंकर का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जब रैंकर परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही भर्ती आएगी, अन्यथा अभी नहीं आने वाली पुलिस भर्ती। और वहीं बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य महानिदेशक में जो है गर्जे बेरोजगार नर्सिंग भर्ती की मांग, तो यहाँ पर देखिए वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर जो है नर्सिंग भर्ती कराने की मांग को लेकर काफ़ी जो है आंदोलन चल रखा है इनका और कहा गया है कि बेरोजगार और नर्सिंग छात्रों ने जो है यहाँ पर नर्सिंग भर्ती को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय कार्यालय के बाहर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान जो है प्रदेश भर के कई नर्सिंग छात्रों ने यहाँ पर जमकर नारेबाजी की और वर्षवार और यहाँ पर वरिष्ठता के आधार पर जो है नर्सिंग भर्ती की मांग की है। और प्रदर्शन के बाद जो है यहाँ पर नर्सेज फाउंडेशन ने यहाँ पर जो है 26 से 21 जो पद यहाँ पर आए हुए हैं 26 से 21 पद आपकी नर्सिंग की आई हुई हैं उस पर जो है लिखित परीक्षा को रद्द करने की यहाँ पे मांग भी उठा रखी है। तो इनका कहना है कि लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि इनको जो है यहाँ पर वर्षवार के आधार पर जो है नियुक्ति मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर स्वरोजगार से जुड़े लोगों स्वयं सहायता समूह को जो है बड़ी राहत, तो यहाँ पर जो है धामी सरकार ने किया 118 करोड़ का पैकेज का प्लान। तो वित्तीय घटनाएं के बीच जो है यहाँ पर चुनावी साल में जो है प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो है पिटारे से यहाँ पर जो है कोविड से प्रभावित लोगों के लिए जो यहाँ पर एक और राहत पैकेज है और इसमें जो है यहाँ पर लगभग 118.35 करोड़ का जो है यहाँ पर राहत पैकेज है जो कि यहाँ पर स्वरोजगार योजना में जुड़े जो लाभार्थी हैं और उनको यहाँ पर जो है आजीविका मिशन है इसके तहत जो है महिलाएं स्वयं सहायता समूह इन पर जो है यहाँ पर मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और रक्षाबंधन पर जो है जो औरतें हैं वो अब फ्री जाएंगे, ये भी आपका कहना है। और 6 महीने तक जो है समूह को 2000 रुपया। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं LISP के तहत जो यहाँ पर गठित सक्रिय प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को जो है 6 महीने तक जो है 2000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर वन निगम भर्ती घपले को लेकर जो है 5 को नोटिस जारी कर दिया गया है। 12,000 से ज़्यादा युवाओं ने यहाँ पर जो है आवेदन किया हुआ था और मामला जो है 2016 से यहाँ पर कांग्रेस सरकार की भर्ती घपले में जो है जांच शुरू हो गई है और इसमें यहाँ पर जो है पूर्व MD 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी सहित जो है 5 लोगों को जो है नोटिस भेजा गया है। और वही बात करें यहाँ पर परीक्षा फॉर्म जो है भरने की अंतिम तिथि 21 अगस्त को रखी गई है। तो SSJ कैंपस ने यहाँ पर जो है महाविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए यहाँ पर स्नातक और स्नातक को प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए जो है वहाँ पर फॉर्म भरने से जो वंचित रह गए छात्र उनके लिए यहाँ पर एक और मौका दिया जा रहा है। और परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 21 अगस्त तक जो है जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर जो है प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो ये 21 अगस्त तक जो है आपका लास्ट डेट जारी किया गया है, आप लोग जो है फॉर्म फिल कर लें। और वहीं बात करें यहाँ पर SSJ जीना कैंपस में यहाँ पर जो है 1 सितंबर से यहाँ पर होंगी परीक्षाएं। तो यहाँ पर सोमनाथ सिंह जीना विश्वविद्यालय में जो है स्नातक प्रथम वर्ष वार्षिक पद्धति परीक्षा जो है 1 सितंबर से जो है शुरू होने जा रही है और इसके ओर से यहाँ पर जो है मंगलवार को तिथि भी तय कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्वरोजगार भर्ती में जो है मेले में 100 लोगों को यहाँ पर चयनित किया गया है, इसमें इतने लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था, उनमें से 100 लोगों को यहाँ पर चयनित किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर UOU ने जो है BEd प्रवेश परीक्षा जो है यहाँ पर 2021 के लिए यहाँ पर जो है आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर जो लोग BEd करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जो है BEd जो विशिष्ट
शिक्षा है, बीएड और यहाँ पर ओडीएल है, उसमें जो है प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगा गया है। और इच्छुक जो छात्र छात्राएं हैं वेबसाइट में जाने के बाद जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये फीस सारा कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर 31 अगस्त तक जो है यहाँ पर होंगे इग्नू में प्रवेश। तो यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जो यहाँ पर जुलाई 2021 सत्र के लिए यहाँ पर नए प्रवेश की जो अंतिम तिथि होगी वो आपका यहाँ पर 16 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। तो 31 अगस्त तक जो है आप लोग एडमिशन ले सकते हैं जो भी यहाँ पर छात्र इसमें लेना चाहते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं के आश्रित छात्र छात्रों को जो यहाँ पर सैनिक पुनर्वास संस्थान की ओर से यहाँ पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप लोग जो है यहाँ पर जो वेबसाइट जारी किए गए हैं इन पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।